मुंबई सहित पूरे देश में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि भारत देश की एक गौरवपूर्ण गाथा है कि महिलाओं को पहले चार दीवारी में रखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं बाहर निकलकर हर सेक्टर में अपना नाम कमा रही है। हालांकि जिस तरह से बताया गया है कि महिलाएं जो ऊर्जावान होती है, उनकी ऊर्जा को देखते हुए लगातार पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा। फिलहाल महिलाओं के ऊर्जा बढ़ाने, उनकी उद्यमता क्षमता बढ़ाने के लिए जिस तरह से महिला दिवस आज के दिन मनाया जाता, उसकी एक जीती जाती तस्वीर आपको दिखाएंगे कि एक हम जिम में उपस्थित है जहां पर महिलाओं को वो वर्गीकृत दी जाती है, यानी कि वो व्यायाम करवाया जाता है जो अमूमन पुरुष करते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं है। एक तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए यहाँ तमाम महिलाएं और पुरुष एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, वो वही कसरत कर रहे हैं जो अमूमन पुरुष करते हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार महिला और पुरुष एक साथ एक व्यायाम करते हुए दिखाई देते हैं। इसका महज एक कारण है कि अब महिलाओं की जो जगह है, वो शक्ति है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर है। दूसरी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि लगातार महिलाएं एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि महिलाओं की शक्ति आज देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो हवाई जहाज चलाने से लेकर, ट्रेन चलाने से लेकर, ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर, और शिक्षा के क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब नौ देवियों को नौ तरह की एक्सरसाइज का जो आपको विवरण बताया उनको करवाया जाएगा, और उस एक्सरसाइज में सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें, देखिए राउंड ऑफ नो ब्रेक एंड सबसे पहले फ्रैंक है, उसके बाद पुशअप है, फिर माउंटेन क्लाइंबर्स है, फिर रशियन ट्विस्ट है, फिर डंबल पावर है, फिर साइकिलिंग है, फिर स्लैम बेल है, कि केबी स्विंग एंड हैमर एंड टायर। सीधे तौर पर हैमर एंड टावर की जो तस्वीरें आप बता रहे थे, ये तस्वीरें हैं जो एक पुरुष और एक महिला एक साथ कर रही है, यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है आज हमारे देश में बराबर की है। इसी तरह से आज जब यह जिम के बाहर निकलेंगी तो उन्हें जो है पुष्प गुच्छ देकर इनका सम्मान किया जाएगा, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाएगी, क्योंकि आज पूरे देश में जो है महिला दिवस मनाया जा रहा है। कि इस बात का यह प्रमाण होता है कि किस तरह से महिलाओं का जो जगह है, जो पावर है, जो शक्ति है, जिसको नौ देवियों का रूप माना गया है, वो किसी से कम नहीं है। जाहिर तौर पर आपने हमारे पुराणों में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से महिलाओं, जब पुरुष कोई काम नहीं कर पाता था तब महिलाओं को आगे किया जाता था, जैसे कि देवी दुर्गा, ठीक उसी तरह से अब इनका जो है, यहाँ एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से महिलाएं लगातार पुरुषों के बराबरी में खड़ी है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरह का ये आपने मोटो बनाया है, किस तरह का आज जो एक्सरसाइज महिला दिवस के तौर पे करवा रहे हैं? सर आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हम लोग मेल्टफिट में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर ट्रेन हो पाए, उनका सशक्तिकरण पुरुषों के बराबर हो जाए। तो जेंडर इक्वलिटी को करने के लिए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर बनाने के लिए हमने वो एक्सरसाइज डिज़ाइन की है जो पुरुष और महिलाएं सब साथ में करती हैं। इसके लिए हमारी इंडियन की संस्कृति को हमने यूज़ किया है, जहाँ पे महिलाओं को हमेशा शक्तियों के रूप में पूजा गया है। हमारे यहाँ नवरात्रि में नौ देवियों को अलग अलग शक्ति के रूप में पूजते हैं। इसी तरीके से मेल्टफिट ने अपना नौ वर्कआउट डिज़ाइन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राणायाम है, पुशअप है, माउंटेन क्लाइंबर्स है, रशियन ट्विस्ट है, डंबल पावर स्नैच है, साइकिलिंग है, स्लैम बॉल है, कैटलबेल स्विंग है, हैमर टू टायर है। ये कंटिन्यूस एक आमरेप बनाया है हमने उन लोग सभी लोगों के लिए, जो हर एक मिनट में 45 सेकंड उनको वर्कआउट करना पड़ता है और 15 सेकंड को उनको ब्रेक रहता है। तो ये महिलाएं और पुरुष साथ में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये उनसे उनका स्टैमिना, एंड्योरेंस, एजिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ बढ़ा देता है, जिससे वो लोग पुरुषों के बराबर ही सेम टाइम का काम करते हैं जैसे अपना पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं के सम्मान में क्या कुछ करने वाले हैं आप की तरफ? इसके बाद जब महिलाएं ये एक्सरसाइजेस पूरी ख़त्म करेंगी तो इनको एक रोज़ गिफ्ट किया जाएगा, सबको उनका सम्मान किया जाएगा और उसके साथ साथ उन लोगों को मिठाइयाँ भी खिलाई जाएंगी। तो जाहिर तौर पर महिला शक्ति, नारी शक्ति, यानी कि देश की सबसे बड़ी शक्ति, तो जाहिर तौर पर इनके एक्सरसाइज के बाद इनको जो पुष्प दिया जाएगा, इनका सम्मान किया जाएगा, इस दौरान उनको मिठाइयाँ भी खिलाई गई। हालांकि देश में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिला दिवस के मौके पर हर कोई जो है अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करता है। खासकर जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पुराणों में, हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है, इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज जो है यहाँ एक्सरसाइज और व्यायाम करवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन बिनेश के साथ मुंबई।